चलो आज ना एक ट्रेंडिंग चिली ऑयल रेमन ट्राई करते हैं। थोड़े दिन पहले ना मैंने क्या बोलते हैं कोरियन स्टाइल मैगी आप लोगों से शेयर की थी, वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, तो चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं कैसी बनती है। ठीक है, तो इसमें ना कोई भी रेमन नूडल्स ले लो, मेरे पास ये किमची है, मतलब कोई भी ले लेना। अरे इसका मसाला तो काम नहीं आने वाला, मसाला और सीजनिंग, क्योंकि इससे ये नहीं यूज़ होएगा। पर यार मैं सोच रही हूँ इसका ये सीजनिंग और मसाला है ना, इससे मैगी बनाते हैं क्या? मुझे कमेंट करके बताना मुझको इस दोनों चीज़ों को यूज़ करके मैगी बनानी चाहिए, कैसी बनती है ट्राई करके देखेंगे। कमेंट करोगे तभी बनाऊंगी। ठीक है, तो ना रेमन को क्या है बॉयल कर लो यहाँ पे। तब तक ये बॉयल हो रहे हैं तब तक थोड़ी सब्जियाँ काट ली थी मैंने, थोड़ी प्याज ली थी, मतलब जो स्प्रिंग अनियन आती है ना उसका ग्रीन पार्ट ले लिया और अनियन वाला पार्ट ले लिया, दोनों पार्ट ले लिया, और थोड़ी सी गार्लिक को छोटे 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 काट लो। और हाँ गाइस, नया चैनल मैंने क्रिएट कर लिया है फंटूश फूडी, वहाँ वीडियो शायद अब तक अपलोड हो चुकी होगी, तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को देखो और यार खूब सारा प्यार देना, मतलब जैसे आपने इस चैनल पर इतना सारा प्यार दिया है बहुत सारा, उस चैनल पे भी ऐसे ही देना और सपोर्ट करना यार, है ना। मतलब इस चैनल पे तो आप लोगों को बहुत सपोर्ट है मेरे पास, मतलब मैं आप लोगों को ना थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अभी वीडियो बताया मैं बहुत सारी लंबी हो जाएगी, मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा बताऊँगी, पर सच्ची मुच्ची दिल से थैंक यू, है ना, ऐसे ही वहाँ भी सपोर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ काट ली थी, फिर वो रेमन भी बॉईल हो गई थी, उसको गैस को बंद कर देना है ना। फिर एक ऑयल बना लो, ऑयल में क्या डाला मैंने, थोड़ी प्याज, वो जो काटे थे ना प्याज डाल दो, लहसुन डाल दी और सेसमे सीड्स डाल दिए, तेल होते हैं ना वो डाल दिए, और चिली फ्लेक्स डाल दिया, और गरम गरम ना तेल डाल दो एकदम गरम गरम करके, और यार तेल डालते ना इतनी अच्छी खुशबू आती है, एक ऑयल बन जाता है। फिर इसके बाद थोड़ी इसमें सोया सॉस डाल दो, जो रेमन बॉईल हुई थी वो डाल दो, और स्प्रिंग अनियन डाल दो जो पहले काटी थी, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दो। और इसका टेस्ट ना पता है वैसे फ्लेवर था अच्छा था, पर ना थोड़ा स्पाइसी नहीं था, मतलब मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो कुछ मसाला ऐड करना पड़ेगा जब इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो वैसे ठीक था पर एवरेज ही रेट करूँगी, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें कुछ मसाला हो तो ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ पहले ट्राई कर रखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और फंटूश फूडी को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।